श्री मनोहर भाई हम लोगों के साथ मंच पर बैठे हुए डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव जी, जिसके रथ पर स्वयं कन्हैया बैठे हो, उसके रथ को कोई हिलाने वाला नहीं है। साथियों, आप कन्हैया की नारायणी सेना हैं, जिनके बूते पर ये जान लीजिए ये रण को जीतने की तैयारी कर रहा हूं। साथियों, लगातार कई बार शिवपुर विधानसभा हम लोग जब भी चंदौली में भाषण होता है तो चंदौली के लोग यही ताना मारते हैं कि भाई हम लोग तो जिता देते हैं, आप लोग शिवपुर अजगराम में जो है गड़बड़ा देते हैं। मैं एक भारी जनसभा में वादा करता हूं कि शिवपुर विधानसभा से भारी बहुमत से हम लोग जीत करके आगे बढ़ेंगे। साथियों, बहुत सी बातों को आप जानते हैं और बहुत सी बातों को नहीं भी जानते। आपको याद होगा कि जालौपुर के सभा में माननीय मुलायम सिंह ने मेरा हाथ ऐसे उठा करके कहा कि मेरी सरकार बनाने वाला यही है लड़का। बहुत लोगों को याद होगा। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे घर पे आए और एक तस्वीर देखे हमारा नेताजी का और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल का, देख करके भावुक हो गए। कहे वीरेंद्र जी तो मुझे तो जो है वो दिन याद आ गया। आपको बताना चाहता हूं कि संभल का बाई इलेक्शन था, देश में अटल बिहारी जी की भाजपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कल्याण की सरकार थी, नेताजी हमारे भाई इलेक्शन मैंने लड़ रहे थे, संभल से चुनाव पर्चा भरे थे। उन लोगों ने डीपी यादव जैसे बाहुबली को नेताजी के खिलाफ पर्चा भरवाया था भाजपा वालों ने। रात को 11 बजे नेताजी का मेरे पास फोन आया और नेताजी ने कहा मिल सकते हो? हम कह रहे हम आपके समाजवादी शिष्य हैं, आप बुलाइए, मैं तो तुरंत आता हूं। गाड़ी नहीं थी, अरे ड्राइवर नहीं था, गाड़ी थी, मैं खुद अपनी गैर सरकारी गाड़ी चला करके नेताजी के पास गया। वो बुलाए, चाय मंगवाए, बोले कि हमारे लिए क्या कर सकते हो? हम कहे आप बताइए। कहे एक दिन के लिए सरकार गिरा दो। हम कहे सरकार कल गिर जाएगी, आप बता दीजिए। और आपको याद होगा कि जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, याद है कि नहीं? और सारे संभल के जितना जो है बूथ था, सब बूथ पर सीआरपी लगी थी, चार चार तो एसएलआर लगे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस हर यादव के गांव में लगी थी कि एक भी यादव निकल के वोट न डालने पाए। और एक दिन के लिए वो सरकार हमने गिराई और केवल एक आर्डर पास हुआ, पूरे एक मुख्यमंत्री एक दिन एक आर्डर कि सारे जितने फोर्स लगे हैं संभल में वो हटा लिए जाए। और वो सारे फोर्स एक दिन में हट गए और चुनाव हुआ, नेताजी जीत गए, मुख्यमंत्री फिर वही का वही हो गए कल्याण सिंह। बस एक दिन का खाली मुख्यमंत्री का खेल था। ये सारा खेल हम लोगों ने नेताजी के लिए किया है, इसलिए नेताजी अपने साथ जब चलते थे तो हमको अपने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर पर बैठा के चलते थे। और सबसे बड़ा विभाग वन विभाग मेरे अपना दिए थे, जो सबसे प्यारा था उनको। तो बहुत से लोग हैं, हमारी झगड़ा अमर सिंह से थी और अमर सिंह झगड़ा कर रहे थे अनिल राजभर के लिए। हमको हमसे उनसे झगड़ा अमर सिंह से यही था। हमने नेताजी से कहा कि अमर सिंह रहेंगे पार्टी में तो अमर सिंह को आप पार्टी से हटा नहीं सकते, मेरा कत्ल हो जाएगा नेताजी, हम आपका पैर छू रहे हैं, हम जा रहे हैं।
वापस अपने कांग्रेस में। नेताजी चुप हो गए, अमर सिंह को जवाब नहीं दे पाए, हम पैर छुए और चले गए, लेकिन अपने दिल से नेताजी को कभी नहीं निकाला साथियों, कभी नहीं निकाला। जब भी समय आया, जब भी बात आई, नेताजी जब पुकारे हैं आधी रात को वीरेंद्र सिंह दौड़ करके उनके पास गए हैं। ऐसे थे नेताजी, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। और वो बात याद, अखिलेश जी को जब मेरे घर आए चाय पीने के लिए तो उनको बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि ये तो इतना बड़ा एहसान है वीरेंद्र सिंह कि हम इसको कैसे उतारेंगे मुझे खुद नहीं पता है। तो उस मुलायम सिंह के लड़के हैं, उनकी इज्जत दांव पे लगी है साथी। हम 14 हारे, हम 17 हारे, हम 19 हारे, हम 22 हारे, ये चुनाव अस्तित्व का चुनाव है साथियों। एक वीरेंद्र सिंह के जीतने हारने का चुनाव नहीं है। लेकिन भरी सभा में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आप 35 सीट जिता करके उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए, उस दिन वीरेंद्र सिंह का खेला देखिए, अपने नेता को प्रधानमंत्री बना देगा। तब अपने नेता का खेल देखिएगा कि कैसे मैं जो है माननीय अखिलेश जी को देश का प्रधानमंत्री बनाता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं रोज मुख्यमंत्री बनाता था, रोज बिगाड़ता था। तो इसलिए साथियों, बहुत से लोग आपके बीच में बहुत सी बातें लेके आएंगे, लेकिन सवाल वीरेंद्र सिंह का नहीं है, सवाल समाजवादी झंडे का है। आप झंडे को ऊंचा रखना चाहते हैं या नहीं? हाथ उठा कहिए, झंडे को ऊंचा रखना चाहते हैं तो कसम खाइए कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, हम इस समाजवादी झंडे के निशान साइकिल पर वोट दे करके हम करेंगे जो है साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी बुजुर्गों का जो है नमन करके उनका पैर छूके आशीर्वाद चाहता हूं और सबका आशीर्वाद मांगता हूं। अपने साथियों को नमस्कार, आयोजकों को धन्यवाद, और यहां जो गायक गायिका हैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि उनका मैंने समय ले लिया। सभी नमस्कार, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली, धन्यवाद।